So hello everyone and welcome back once again to the channel. So as you all know, the NABARD notification is now out. The official notification is now out. इससे पहले जो था वो employment news में चल रहा था कि इस date पे notification out हो जाएगा. But now officially it is out. So in this video we are going to discuss this notification. इसके अंदर क्या-क्या important चीजें हैं हमारे लिए. ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे. And let me tell you first that there are no changes. ठीक है, as compared to the last year there are no changes, कोई change नहीं हुआ है. So जिन लोगों ने पिछले साल exam दिया था उनको already पता होगा that everything is same. तो जो जो सेम प्रोविजंस थे पिछले साल वही सेम इस साल भी है, राइट. बट फॉर दोज हु आर गोइंग टू गिव दिस एग्जाम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम डिस्कस करते हैं इसमें. लेट्स मूव अहेड. सो यू कैन स्टार्ट फिलिंग द फॉर्म फ्रॉम टुडे एंड द लास्ट डेट टू फिल द फॉर्म गाइस इज 7th of August 2022. एंड लेट मी टेल यू, प्लीज डोंट वेट फॉर द लास्ट डेट, क्योंकि लास्ट टाइम में इनकी वेबसाइट वगैरह हैंग होने का इश्यू रहता है. सो प्लीज डोंट डू दैट. So you can start your registration from today itself and the last date to fill the form is 7th of August 2022, right? The tentative examination date for the prelims examination is 7th of September 2022 और इस बार पिछली बार से भी कम टाइम दिया है, right? Last time also the notification came in this period only, for this period only. That last time the date was 17 July to 7th of August, this time it is 18 July. And the examination, the pre-examination was conducted on 17th or 18th, right? 17 को या फिर 18 को था पेपर, but this time they are taking this examination on 7th of September, यानी कि पिछली बार से 10 दिन भी कम दिए हैं. So you have very less time, you have to boost up your preparation now. Now mains की कोई date नहीं दी है और इन्होंने बोला है that the date of mains examination would be announced separately on the website of NABARD, right? So this is very important. Please don't wait for the last day to fill your form. बिकॉज लास्ट डेट में कुछ ना कुछ गड़बड़ी की वजह से अगर ऐसा ना हो कि आपका फॉर्म रह जाए, राइट. इसके अलावा इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यस दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, टॉकिंग अबाउट जनरल, अगर हम जनरलिस्ट की बात करें, AM RDBS इन जनरलिस्ट फॉर UR देर आर 33 वैकेंसीज, फॉर SC 12 वैकेंसीज, ST के लिए 6, फॉर OBC 21, EWS कैटेगरी देर आर 8 वैकेंसीज. सो द टोटल वैकेंसीज इन RDBS general is 80 and I believe this is a decent number of vacancy. बहुत सारी vacancies है, ठीक है, इतनी vacancies generally expect होती नहीं है. And सारी streams को अगर हम मिला देते हैं, so the total number of vacancies are 161, ठीक है, 161 vacancies है total. और AM राजभाषा, अगर हम राजभाषा को भी मिला देंगे तो 7 vacancies of राजभाषा, so it will become 168. So around 170 vacancies are there in total, which is a good number of vacancy. और वैसे भी आपको 170 से कोई मतलब नहीं है, यू नीड जस्ट वन वैकेंसी, आपको सिर्फ वन वैकेंसी चाहिए किसी भी डिपार्टमेंट में टू गेट द जॉब, ठीक है, आपको बाकी 169 या 167 से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, राइट. मूविंग अहेड, इसके अलावा किसके इस वैकेंसी में ये सारी चीजें जो ऊपर है हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. अगर आप में से कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो आप ये सारी चीजें रीड कर सकते हो, सारी चीजें गिवेन है इसके अंदर, राइट. मूविंग अहेड, हियरिंग इम्पेयर्ड वगैरह, लोकोमोटर डिसेबिलिटी से रिलेटेड गाइडलाइंस है, फॉर बेंचमार्क डिसेबिलिटीज देयर आर गाइडलाइंस एज वेल, ठीक है. अगर हम आगे चले, यस, सो नाउ दिस इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड द कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज वेल एज फॉर एज इज 1st of July 2022, राइट. द कट ऑफ डेट इज नॉट 1st of January, it is 1st of July 2022, right? So eligibility की बात करें, first of all, you can apply for only one stream, right? The candidate can apply only for one post or discipline of his or her choice, ठीक है? ये generally students के दिमाग में confusion रहती है कि क्या हम राजभाषा के लिए और general के लिए दोनों के लिए apply कर सकते हैं, या फिर राजभाषा के लिए या फिर IT के लिए दोनों के लिए apply कर सकते हैं. It is not like that. You can apply for only one post or one discipline only, right? So in case of multiple applications across or within disciplines for grade A RDBS, only the last application submitted will be considered, ठीक है. और generally एक doubt बहुत ज्यादा आता है students का कि अगर पहले form में गलती हो गई तो अब हम क्या करें. तो अगर पहले form में गलती हो गई है तो दूसरी email ID और दूसरे phone number से दूसरा form भर दोगे तो जो दूसरा form है वो accepted माना जाए, ठीक है. So there is no issue in that, but of course आपको fees दो बार भरनी पड़ेगी, ठीक है ना. And talking about the educational qualification, educational qualification तो क्लियर है,
ग्रेजुएशन चाहिए, यू नीड ग्रेजुएशन विद मिनिमम 60% मार्क्स, और अगर ग्रेजुएशन में 60% नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन विद मिनिमम 55% मार्क्स, एंड दिस आई एम टॉकिंग अबाउट अनरिजर्व्ड सेक्शन, राइट। सो अगर मैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे जाऊं पहले, सो या बैचलर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद अ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स, बट एससी एसटी और पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए दिस इज 55%, राइट। और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एमबीए पीजीडीएम विद अ मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स, ठीक है। हाउएवर इन केस ऑफ एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी एप्लीकेंट्स इट इज 50% ओके। इन एग्रीगेट और सीए सीएस आईसीडब्ल्यू और पीएचडी फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूजीसी, इसमें अब देखो आप में से अगर कोई सीए होगा या सीएस होगा या आईसीडब्ल्यू होगा तो उनके लिए वो 60% या 55% का क्राइटेरिया मेंशन नहीं है। और सीए सीएस आईसीडब्ल्यू और पीएचडी फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूजीसी, ठीक है। सो दिस प्लीज कीप दिस इन माइंड, इफ यू आर अ सीए और सीएस और आईसीडब्ल्यू देयर इज नो नीड ऑफ मिनिमम परसेंटेज। जैसा कि आरबीआई में कंफ्यूजन रहती है, यहां पे कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है, इन्होंने लिख दिया है नोटिफिकेशन में। एंड यस दिस डाउट ये भी बहुत बार आता है, जो रिजल्ट है आपके फाइनल टर्म का या सेमेस्टर का या फिर ईयरली एग्जामिनेशन का वो डिक्लेयर होना चाहिए ऑन और बिफोर 1st of July 2022, ऑन और बिफोर, यानी कि इफ द रिजल्ट इज डिक्लेयर्ड ऑन 1st of July, इवन इट हैज बीन डिक्लेयर्ड ऑन 1st of July, then also you are eligible, but after 1st of July you are not eligible to get you are not eligible for this examination, ठीक है। इसके लिए आपको फिर एक साल का वेट करना पड़ेगा, राइट। सो ये बात याद रखना, आपका जो फाइनल टर्म का रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाना चाहिए, भले ही आपकी मार्कशीट या फिर डिग्री कुछ भी ना आई हो, देर इज नो प्रॉब्लम, वो एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तब तक आई जाती है, राइट। इसके अलावा यस, तो जनरल के लिए ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गई, बाकी के लिए सब में अलग अलग, जो स्पेशलिस्ट है उनके लिए स्पेशलिस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है, ठीक है। इसके अलावा सीजीपीए की कैलकुलेशन भी यहाँ पे इन्होंने दे रखी है, इफ यू हैव सीजीपीए ऑफ 6.75 देन यू आर इन द फर्स्ट डिवीजन, दैट इज 60% इन ग्रेजुएशन एंड देन यू आर एलिजिबल, इफ यू हैव 60.625 देन 55%, 5.75 50% एंड 5.25 इट इज 45%। सो दीज आर दी कन्वर्जन ऑफ CGPA into the percentages। However, अगर मान लो कि आपके जो भी respective university है उन्होंने कोई और formula अगर दे रखा है और उसके हिसाब से आपका अगर percentage 60% से ज्यादा आता है in graduation और 55% in post graduation, then also you are eligible, there is no problem in that, alright। Now इसके बाद हम बात कर लेते हैं examination pattern की, ठीक है। एज वही है, 30 years होना चाहिए, between 21 and 30 years, right? And the cut-off date is 1st of July 2022, which means the candidates must have been born not earlier than 2-7-1992 and not later than 1-7-2001. So, agar aapka iska beech mein hai date of birth, then you are eligible. Agar nahi hai, then you are not. Uske agar iske pehle hai, to fir aapke liye NABARD khatam ho chuka hai. It is, aur agar iske baad hai, to fir aapko ek saal ka wait karna padega, right? And there are some certain age relaxation as well for various categories, like for OBC it is 3 years, in case of SC or ST it is 5 years, and ex-servicemen वगैरह के लिए अलग अलग criteria है, तो you can read from the notification. Now talking about the preliminary examination, ठीक है, that is the very important part in any notification, ठीक है. So there are 8 sections in your prelims examination: test of reasoning, English language, computer, quant, decision making, general awareness, ESI and ARD. ESI means economic and social issues, while ARD is agriculture and rural development, right? These 1 to 5 sections, these sections 1 to 5, these are of qualifying nature. You have to score a minimum qualifying marks in each of the section. Okay? In each of the section, you have to score minimum qualifying marks. Aur wo minimum qualifying marks, आफ्टर द एग्जामिनेशन ही पता चलते हैं कि वो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स कितने हैं, वो ऑलरेडी गिवन नहीं है। एंड द मेरिट इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन दीज 3 सेक्शंस, दैट इज जनरल अवेयरनेस, ईएसआई एंड एआरडी। ये 100 नंबर का होता है, ठीक है, 20-40-40, 100 मार्क्स का ये होता है जो कि मेरिट सेक्शन है, एंड 100 मार्क्स इज ऑफ द क्वालिफाइंग सेक्शन। सो यू हैव टू सिक्योर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन ईच ऑफ द क्वालिफाइंग सेक्शन, एंड ओवरऑल
कट ऑफ यू हैव टू क्वालिफाई आउट ऑफ दिस 100, 20, 40 एंड 40, 20 क्वेश्चंस फ्रॉम जनरल अवेयरनेस, 40 क्वेश्चंस फ्रॉम ESI एंड 40 क्वेश्चंस फ्रॉम ARD. टोटल 200 क्वेश्चंस विल बी देयर एंड देयर आर नो सेक्शनल टाइमिंग्स. यू विल गेट कंपोजिट टाइम ऑफ 120 मिनट्स, दैट इज 2 आवर्स. ओके, सो यहां पे मेंशन है ये वाली चीज दैट क्वालिफाइंग सेक्शन में ये सारे सब्जेक्ट्स हैं एंड इन मेरिट सेक्शन यू हैव जनरल अवेयरनेस, ESI एंड ARD. टॉकिंग अबाउट मेन्स पैटर्न, ठीक है, मेन्स पैटर्न की बात कर लेते हैं. और यस, शॉर्टलिस्टिंग फॉर द मेन एग्जामिनेशन विल बी बेस्ड ऑन मार्क्स स्कोर्ड इन मेरिट सेक्शन ओनली. क्वालिफाइंग सेक्शन में यू हैव टू स्कोर ओनली द क्वालिफाइंग मार्क्स. बट यस, डोंट टेक द क्वालिफाइंग सेक्शन लाइटली, क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा हुआ है कुछ लोग डिसीजन मेकिंग का जो क्वालिफाइंग सेक्शन था वो क्वालिफाइंग मार्क्स थे वो स्कोर नहीं कर पाए थे. एंड इफ लेट्स से कि लास्ट टाइम तो चलो पेपर क्वांट का, रीजनिंग का, ये सारी चीजें इजी थी, अगर मान लो कि क्वांट का डिफिकल्ट जो डिफिकल्टी लेवल है या फिर रीजनिंग का डिफिकल्टी लेवल है अगर वो बढ़ा देते हैं तो क्या होगा इसमें कि क्वालिफाइंग में ही बहुत सारे लोग बाहर हो जाएंगे, राइट. सो प्लीज डोंट टेक दीज सेक्शंस लाइटली, आपको उसको क्वालिफाई तो करना ही पड़ेगा. नाउ टॉकिंग अबाउट द मेंस एग्जामिनेशन एंड आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट द जर्नलिस्ट, ठीक है ना. सो यू विल हैव टू पेपर्स, पेपर वन एंड पेपर टू. इन पेपर वन यू विल बी आस्क्ड द जनरल इंग्लिश एंड दिस विल बी ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव, जो कि आपको कंप्यूटर पर टाइप करना होगा. देर विल बी 3 क्वेश्चंस ऑफ टोटल 100 मार्क्स एंड यू विल गेट 1.5 आवर्स टू कंप्लीट द पेपर, राइट. एंड डिस्क्रिप्टिव आंसर्स होंगे टू बी टाइप यूजिंग कीबोर्ड. सो अगर आप पेन पेपर पर प्रैक्टिस करते हो सो दैट इज नॉट द वे, यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन द कीबोर्ड ओनली. एंड द सेकेंड पेपर विल बी ऑफ ESI एंड ARD कंबाइंड, ठीक है. इन दिस पेपर you will have 30 objective questions. This will be a hybrid paper and it will consist of both objective type questions and descriptive type questions, right. There will be 30 objective type questions, 2 markers, 20 question, 1 markers, 10 question. So total 50 marks objective question will be there, theek hai. Total 50 marks ka hoga objective question, total 30 questions honge and out of 30 questions 20 questions will be 2 markers and 10 questions will be 1 markers. So total ho jayega kitna 50. And in descriptive type 6 questions will be asked. 6 questions will be asked and out of that 4 questions aapko attempt karne honge. Theek hai, 4 questions aapko attempt karne honge and out of these 4 questions 2 questions jo honge wo honge 15 marks ke and 2 questions will be of 10 marks. Theek hai? So this will become how much? 50 मार्क्स. सो टोटल ये कितने का होगा? 50 मार्क्स का होगा. एंड टाइमिंग की बात करें सो ओवरऑल यू विल गेट 120 मिनट्स फॉर पेपर टू एज वेल, बट फॉर ऑब्जेक्टिव पार्ट यू विल गेट 30 मिनट्स एंड फॉर डिस्क्रिप्टिव पार्ट यू विल गेट 90 मिनट्स, ठीक है. 30 मिनट्स पूरे होने के बाद अपने आप ही जो वो स्क्रीन है वो स्विच हो जाएगी डिस्क्रिप्टिव की तरफ. ऑलराइट, सो दिस इज द मेंस एग्जामिनेशन पैटर्न एंड आई होप दिस इज क्लियर. अगर कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो. इसके बाद जितने भी स्पेशलिस्ट वाले हैं उनका सारा डिटेल गिवन है मेंस एग्जामिनेशन का. इसके बाद सिलेबस है, सो यू कैन रीड आउट दिस सिलेबस. अगर आपको सिलेबस नहीं पता है अभी तक तो प्लीज एक बार सिलेबस को अच्छे से देख लेना एंड प्लीज स्टिक टू द सिलेबस व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन. एनी एग्जामिनेशन जब भी कोई हम प्रिपेरेशन करते हैं तो प्लीज स्टिक टू द सिलेबस ओनली. जनरली क्वेश्चन जो है सिलेबस से बाहर नहीं आता. अगर एक दो क्वेश्चन आ भी जाता है सो दैट डजंट मैटर बिकॉज वी डोंट हैव टू टॉप द एग्जामिनेशन. वी जस्ट हैव टू क्लियर द कट ऑफ and get into the job, that's it, right. There is a provision of pre-recruitment training as well. Now iske alawa nothing is important in this particular notification. Yes, examination centers hain to jo bhi aapka respective state hai aur jo bhi city hai you can watch from here. This is for prelims and mains ke liye examination center of course kam ho jate hain because bahut kam students qualify karte hain, bahut kam students mains mein aate hain. This is for the mains examination. Talking about application fee, so application fee is 800 for the general and the UR people. For SC, ST and PWD it is 150. For SC, ST and PWD is 150 and for all other categories OBC हो चाहे women हो या EWS हो सबके लिए 800 रुपए फीस है, ठीक है. So yeah, that's it. इतने ही details हमारे लिए काफी है. और emoluments and service condition अभी recently मैंने salary slip पे एक video बनाई है. So you can watch that video on salary slip that how much you will get after becoming a NABARD grade A officer, right. So that was the video and that was the details of this official notification. I hope everything is clear.
बट स्टिल अगर आपके मन में कोई डाउट आता है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. एंड नाउ द नोटिफिकेशन इज आउट, नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग दैट हाउ कैन वी प्रिपेयर इन द अपकमिंग 45 डेज. सो देयर अनुज सर और मी विल कम अप विद द डिटेल स्ट्रैटेजी ऑन हाउ वी कैन टैकल दिस एग्जामिनेशन इन द अपकमिंग 45 डेज. व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी एंड यस द डिटेल टाइम टेबल फॉर यू गाइज एज वेल विल बी रिलीज्ड बाय टूडे और टुमोरो. ठीक है, सो प्लीज आज का और कल का टाइम दे, आपके पास डिटेल टाइम टेबल होगा. यस, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड ए आर डी करंट अफेयर सेशंस आर ऑलरेडी स्टार्टेड. तो अगर अब भी आपने वो अटेंड नहीं किया है तो प्लीज गो एंड वॉच दो सेशंस. गवर्नमेंट स्कीम्स जो मैं कराऊंगा उससे बाहर नहीं आई है, पिछली बार भी यही हुआ था, उससे पिछली बार भी यही हुआ था. ऑलराइट. सो अगर कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस.